हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, एसएससी जीएस प्रैक्टिस सेट। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका प्राचीन इतिहास मैंने करा दिया हूँ और अब आप लोगों का मैं आज से आधुनिक इतिहास कराने जा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों। इसलिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था दोस्तों? फोर्ट विलियम था। क्या था? फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम था। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या है, वर्धमान जिले की एक जमींदार शोभा सिंह की विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुतनाती, कालिकाता और गोविंदपुर नामक तीन गाँव की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गाँव के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है, निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था दोस्तों? तो रेन ड्रैगन था, रेन ड्रैगन। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पे आकर रुका था, ताकि हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर केंद्र कदम रखा था। दिए गए विकल्पों में हेक्टर ही नहीं है, तथा रेड ड्रैगन उसी जहाजी बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में की थी। कहाँ पे? सूरत में। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके बाद इससे पूर्व 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी और कायम की थी, और यह गोलकुंडा राज का मुख्य बंदरगाह था। अगला देख लीजिए यहां पे क्या है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था दोस्तों? तो मसूलीपट्टनम में था। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम 1605 में था। भारत में डचों की अन्य कोठियां पुलिकट 1610, सूरत 1616 में, बिमलीपट्टनम, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना और बालसोरा। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार है। क्या है? कासिम बाजार। इसके बाद देख लीजिए 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद देखिए, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम क्या है? सूरत है, मद्रास है, बंबई है, कलकत्ता है, सी है। इसके बाद देख लीजिए, सूरत 1613 ईस्वी, मद्रास 1639 ईस्वी, बंबई 1687 में, कलकत्ता 1698 में। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो ये क्या था? गोवा था। क्या था? गोवा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रारंभ में अल्फांसो दो अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। 1530 ईस्वी में नीनो दी कूना द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार गोवा काफी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकेंड को किसकी राजकुमारी से किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? तो डी है, पुर्तगाल है। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकेंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बंबई दहेज के रूप में 10 पाउंड के बदले प्राप्त हुआ था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डिगामा को दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली था। यह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। यहाँ के स्थानीय शासक जमहूरियन ने उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए? तो जमहूरियन है। क्या है? जमहूरियन। इसके बाद देखिए, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डिगामा ने। इसके बाद देख लीजिए, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डिगामा ने किया था। वह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। भारत में सबसे पहले आने वाला, सबसे बाद में जाने वाला कौन था दोस्तों? पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्रों में सबसे बाद में गोवा से। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क।
इसके बाद देखिए भारत में पुर्तगाली शक का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 15 था, और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने सन 1510 में गोवा जीता, सन 1511 में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हारमूज पर अधिकार किया। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम है। इसके बाद वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत था। पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर तथा गोवा से गोवा फ्रेंच बस्ती नहीं है। भारत में आलू की फसल पुर्तगालियों ने शुरू की थी। पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में सन 1503 में किया था। इसके बाद देख लीजिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लुई 14वें के शासनकाल के दौरान सन 1664 में हुआ था। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1699 में की गई थी। कब की गई थी, 1699 में। इसके बाद देखिए गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। उसके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरुपद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब की ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, खालसा की स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अकाल तख्त का निर्माण किया गया था, सी है गुरु गोविंद सिंह। क्या है, गुरु गोविंद सिंह। यहाँ क्या है, सिखों के छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी और उन्होंने सिख को एक लड़ाकू जाति में बदला और उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लवगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था, तलवंडी था। कहाँ था दोस्तों, तलवंडी। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान में तलवंडी में 1469 में हुआ था। इसके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, गुरु अंगद था। क्या था, गुरु अंगद। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद 1539 से 1552 थे। इन्होंने खादूर में गुरु गद्दी बनाई थी। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था दोस्तों, तो गुरु अर्जुन देव ने। इसके बाद देखिए गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था और इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में कौन था दोस्तों, तो सी था, गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद देखिए सिखों के दसवें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और इनकी गुरुपद 1675 में प्राप्त हुआ था, जिस पर ये अपनी मृत्यु तक बने रहे। इसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी कि नगर, उसकी धार्मिक राजधानी कहाँ पर था, तो अमृतसर था। कहाँ पर था, अमृतसर। इसके बाद देखिए रणजीत सिंह की राजधानी राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजनीतिक अमृतसर थी। इसका शासनकाल 1800 से 1839 तक था। इसके बाद देख लीजिए किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था, तो विलियम बेंटिंक था। क्या था, विलियम बेंटिंक। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने 1831 में रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरकरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया था। डी है इलाहाबाद। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। नादिर शाह के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था, मोहम्मद शाह था। इसके बाद देखिए नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। इसी दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह, नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने में मोती, हीरे और जवाहर एवं संसार भर में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 मास ठहरा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। खुतबा पढ़ाने और सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया गया। निम्न में किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था, तो करनाल है। इसके बाद देख लीजिए नादिर शाह ने करनाल के 13 फरवरी 1739 में मोहम्मद शाह को पराजित किया था। नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, ने मार्च 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करके लूटपाट और कत्लेआम किया था। अवध की स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, शहादत खां। राज्य अवध अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था और इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता है।
अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाय की भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। इसके बाद देख लीजिए, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 20 नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खां साहब था, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद 1782 में मैसूर का शासक बना। निम्नलिखित में वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा गया था? लॉर्ड कार्नवालिस। मैसूर के तृतीय युद्ध में लॉर्ड कार्नवालिस टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 1792 में हुआ था। तथा कथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? इसके बाद देखिए, 123 अंग्रेजों के एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें अधिकांश की मृत्यु हो गई, बी सही है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, काल कोठरी की घटना पश्चिम बंगाल में 20 जून 1756 को घटित हुई थी, जिसमें 123 अंग्रेजों के एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। इसके बाद देख लीजिए यहां पर क्या है, यहाँ 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया है? तो मीर जाफर ने किया है। किसने? मीर जाफर ने। इसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या है, 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब को सेनानायक था। इस युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जिम्मेदारी प्राप्त हुई। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में किसने सन में अपने राज्य को मिलाया था? सी है 1849। यहां देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। सन 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्याख्या, जॉन लॉरेंस भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैनसन न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, और इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। इसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या है, पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? गोवा में। पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य में पाए जाते थे। इसके कुछ अवशेष कोचीन से प्राप्त हुए थे, परंतु व्यापकता को देखते हुए विकल्प ए सही है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई निर्णायक हुई थी? तो ए है वांडीवास का युद्ध। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक लड़ाई वांडीवास में लड़ी गई थी। आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से पराजित किया था। निम्नलिखित में किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो वांडीवास के युद्ध में। कौन सा युद्ध? वांडीवास। अगला देख लीजिए, निम्न में किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? दोस्तों वांडीवास की लड़ाई में। इसके बाद देख लीजिए कुछ तथ्यात्मक क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। इसके बाद देखिए, वर्ष 1999 की बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हुए थे। इसके बाद देखिए, सिख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। इसके बाद सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सिख को अंग्रेजों ने सन 1843 में अधिकृत किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में सरकार को द्वैत प्रणाली समाप्त कर दिया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सैयद भाइयों का अंत हुआ। राजपूत शासक राजा सवाई जयसिंह ने जियाजमुद्दीन शाही नामक पहाड़ का समूह बताया, जिसके लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। अल्फांसो दू अल्बुकर्क नामक पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था। इंडोनेशिया डचों का उपनिवेश था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।